नमस्कार, मैं हूं मनीष अमन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मनीष लाइव। तो आज के ब्लॉग में हम आए हैं जयपुर, और जयपुर में सिटी पैलेस, जहां पे जयपुर के राजा रहते हैं, अभी उनका निवास स्थान भी है। तो आज हम सिटी पैलेस आपको घुमाते हैं, तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम टिकट लेते हैं और फिर आगे की जर्नी आपको बताते हैं, तो आइए। तो जहाँ पर राजा रहते हैं वहाँ का अगर आप देखना चाहते हैं तो 2000 रुपये उसका टिकट है, और वहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। और अगर जनरल आप विज़िट करना चाहते हैं तो 200 टिकट। तो अनार के लिए नमस्कार कीजिए आदाब कीजिए साहब। नमस्कार, ये हमारे साथ दशरथ सिंह हैं और ये हमें सिटी पैलेस के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे राजा कैसे रहते हैं और यहाँ पे क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए सुनते हैं दशरथ जी से। देखिए सर, सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है यहाँ पे, थैंक यू। सामने जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है चंद्र महल मून पैलेस। जयपुर के 30 नंबर के किंग थे सवाई जयसिंह सेकेंड, जो इससे पहले आमेर के किले में रहते थे वो। तो जयसिंह जी एक बड़ी सिटी बनाना चाहते थे, तो आप आमेर देखेंगे पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आया राजा को, एक तो जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा था और एक वाटर का कमी है। तो वहाँ से 9 किलोमीटर दूर आके राजा ने सबसे पहले ये पैलेस बनाया जयपुर के अंदर, जो 7 स्टोरी का बना हुआ है, जो राजस्थान का फर्स्ट बिल्डिंग है। तो राजा ने इसका नींव रखा 18 नंबर 727 के अंदर 1727 में, और 1730 में ये पूरा महल बनकर तैयार हुआ था। फिर राजा यहाँ पे रहने के लिए आए। तो आप ये महल भी देख सकते हैं, लेकिन इसका टिकट अलग रखा हुआ है। इसका टिकट होता है 2000 रुपये पर पर्सन। अच्छा, टिकट हैवी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें एक तो शीश महल बना हुआ है। अक्षय कुमार का एक मूवी आया था भूल भुलैया, जो विंडो आप देख रहे हैं जो बंद किया हुआ है, वो शीश महल है, जिसमें आप एक मंजलिका का जो महल, मंजलिका, क्योंकि इसी के पीछे गार्डन भी बना हुआ है, तो उस गार्डन का व्यू भी दिखाया गया। नीचे देखेंगे कुछ ब्लू कलर में बना हुआ है, जो ब्लू पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंडिगो कलर यूज़ में लिया गया है। और एक पैलेस पूरा गोल्ड से बना हुआ है, जो दिवाली फेस्टिवल के लिए यूज़ में होता है। तो देखिए सर, सामने जो इसके जो फ्लैग देख रहे हैं वो महाराजा का पर्सनल फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग नहीं है, क्योंकि 5 कलर का झंडा लगा हुआ है। जो आप आमेर का किला देखेंगे तो आमेर में एक राजा थे मान सिंह फर्स्ट, जो अकबर के कमांडो बने थे। तो अकबर के द्वारा राजा साहब को ये गिफ्ट में मिला हुआ ये फ्लैग। इसी के ऊपर एक फ्लैग वो लगाया जाता है सेम कलर का, जिसको बोलते हैं क्वार्टर फ्लैग, क्योंकि राजा को एक टाइटल मिला हुआ है सवाई का जयसिंह जी, जो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो राजा 11 साल की उम्र में किंग बने थे और 17 लैंग्वेज जानते थे। उन्होंने 5 जंतर मंतर भी बनाए, तो एक जंतर मंतर हमारे पास में भी बना हुआ है, जिसके अंदर राजा टाइम वगैरह देखने के लिए जाते हैं। तो वो फ्लैग सिर्फ राजा को इंडिकेट करता है, जब पैलेस में होते हैं तब वो फ्लैग लगाया जाता है कि राजा जयपुर से आउट गए हुए, क्योंकि अभी राजा जयपुर में नहीं है। राजा जब होते हैं इसके दो फ्लैग्स होते हैं, 2 फ्लैग्स होते हैं। अभी राजा नहीं है इसलिए एक वन फ्लैग है। और ये रॉयल फैमिली का मेन एंट्रेंस गेट है, यहीं से आना जाना होता है उनका। तो अंदर काफ़ी स्पेस भी बना हुआ है। इसी के बैक साइड में एक टेम्पल भी बना हुआ है, गोविंद देव जी टेम्पल है, जो जयपुर का आराध्य है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने कभी भी अपने को राजा नहीं माना, उनको राजा मानते थे। आज भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले उनका मूर्ति लगाया जाता है। और ये बिल्डिंग भी इसी तरीके से बनाया गया कि राजा कोई से भी फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ से फेस टू फेस उस मूर्ति के दर्शन होंगे, जो आज भी यहीं से रॉयल फैमिली दर्शन करते हैं। अभी हम भी दर्शन करके आए हैं। इसको बोला जाता है दीवानी खास प्राइवेट मीटिंग हॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी पिल्लर ही पिल्लर बनाए गए, कोई दीवार नहीं लगाई राजा ने। दीवार इसलिए नहीं लगाई क्योंकि एक कहावत चलता था कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए महाराजा ने दीवार नहीं लगाई इसके अंदर कि प्राइवेट मीटिंग चल रहा है कि हमारा कोई मीटिंग को सुन तो नहीं रहा है। सामने देखेंगे तो दो बड़े बड़े जार रखे हुए जो चांदी के बने हुए। जयपुर के 9 नंबर के राजा थे जिनका नाम था सवाई माधो सिंह। तो उन्होंने गंगा जल के लिए ये जार बनवाए थे। 14,000 चांदी के सिक्कों से एक जार बनाया गया सर, दोनों के लिए 28,000। 1902 के अंदर राजा दोनों को भर के इंग्लैंड लेके गए थे क्योंकि इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया और उनके प्रिंस थे एडवर्ड सत्यम, उनका राज तिलक होना था। तो राज तिलक में राजा जयपुर से गंगा जल लेके गए। जयपुर से बम्बई तो ट्रेन में लेके गए, बम्बई से 22 शिप के द्वारा इनको लेके गए महाराजा। अभी खाली रखा हुआ है तो खाली का वेट है इसका 345 kg और वाटर कैपेसिटी 900 गैलन। 4,091 लीटर इसमें गंगा जल आता है जो पूरा 1 पीस के ऊपर बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं लगा हुआ, ये इसकी खासियत है। और ये चांदी का है पूरा, प्योर चांदी का है सर, जो वर्ल्ड रिकॉर्डेड जार है जिसको गिनीज़ बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी किया गया है कि आपको कहीं 1894 में कलश बनाया था और राजा जो जयपुर के राजा थे इसमें गंगा जल भर के और वो इंग्लैंड ले गए थे। तो ऐसे दो, ये पूरा चांदी का है और ऐसे दो चांदी के बड़े से कलश यहाँ बनाए गए हैं। और ये है दीवाने खास जहाँ पे राजा आम जनता से मिलते थे। नौगोल लगा हुआ है, जो सूर्य का चित्र दिखाया गया है यहाँ पे, जो रियल राइफल से लगा हुआ है सर। अच्छा, ये पूरा राइफल है, बीच में ढाल लगा हुआ है, साइड में तीर कमान लगा हुआ है जो तीर धनुष से चलाया जाता है। तो यहाँ के जो राजा है वो सूर्यवंशी। राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। तो कुश का डायनेस्टिक है जिसको कच्छावा भी बोला जाता है। सवाई माधो सिंह जो बाहर अपने जार देखे थे वहाँ पे, ये जयपुर के 8वें नंबर के राजा हैं सवाई राम सिंह 2nd, जिन्होंने जयपुर को पिंक कलर भी करवाया है क्योंकि जयपुर को गुलाबी नगरी के भी नाम से जानते हैं। प्रिंस ऑफ वेल आए थे 1876 में, तब महाराजा ने जयपुर को पिंक कलर करवाया था। सामने देखेंगे एक मिरर लगा हुआ है जो नेपाल से गिफ्टेड है, जो महाराजा को गिफ्ट में दिया गया है। तो खाली एक मिरर था इसलिए गिफ्ट में नहीं दिया क्योंकि मिरर का भी एक स्पेशलिटी है। वो क्या है कि आप इसमें अपना फोटो पास में जाके भी देखेंगे तो फोटो कटेगा नहीं, पूरा का पूरा दिखेगा आपको, ये इसकी खास बात है। देखिए ये है महाराजा का डांसिंग कोटिया, इसको प्रीतम निवास के नाम से जाना जाता था। पहले ओल्ड टाइम में फेस्टिवल प्रोग्राम हुआ करते थे यहाँ पे, तो ऊपर से बैठ के रानियाँ देखा करती थी। ये जो झरोके और विंडो जो आप देख रहे हैं, छोटा छोटा जो झरोका बना हुआ उनकी दासियों के लिए होता था, महारानियों के लिए बड़ी विंडो बनी हुई जिसमें। ये महाराजा का मेन पैलेस है जिसके अंदर आप लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से बैठ के रानियाँ देखा करती हैं। नीचे महाराजा का दरबार होता था जहाँ पे ये पर्दे लगे हुए, तो एंगल भी चेंज होते थे। अगर राजा इस साइड में बैठे हैं तो रानियों को जब सामने आना होता था क्योंकि उनके ऊपर नहीं बैठ के देखने के। उसी में आप देखेंगे तो ये 4 दरवाजे बने हुए, 2 आपके सामने हैं और 2 देखेंगे तो बैक में बने हुए, जो 4 सीजन को इंडिकेट करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात होता है। तो वैसे वैसे ये गेट्स बनाए गए। देखिए 1st नंबर का जो गेट देख रहे हैं उसको बोलते हैं लहरिया गेट, जो बसंत ऋतु के अंदर ओपन होता था। जब तक एक गेट खुलेगा बाकी 3 गेट बंद रहेंगे। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगा तो सर्दी के लिए राजा ने गेट बनाया रोज़ गेट, इस पर पूरा गुलाब का डिज़ाइन बना हुआ है क्योंकि रोज़ पहले एनी टाइम नहीं होते थे, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आते थे। गर्मी के लिए देखिए लोटस गेट बना हुआ है जिस पर पूरा कमल का डिज़ाइन दिया है। एक एक पत्ती का आप व्यू देख सकते हैं, पूरा पत्थर के ऊपर ये नक्काशी किया हुआ है। सावन के महीने के लिए बना है पिको गेट, ये वाला साइड में, इसमें बारिश वगैरह होती थी, मोर वगैरह नाचते थे। अभी ऐसा कुछ फेस्टिवल नहीं होता इसलिए राजा इंग्लैंड के इसी पैलेस के अंदर। अभी आपने देखा था कुछ विजिटर भी गया हुआ था, अगर आपने नोट किया होता उसने वो 2000 रुपये का टिकट पे किया, उसका 2000 रुपये का टिकट। उनकी फैमिली यही कराती है, राजा का 4 मेंबर है वो यहाँ पे राजा है, टोटल 5 मेंबर है। राजा बाहर गए, बाकी 4 मेंबर यहाँ हैं, तो उनका नीचे फोटो लगा वो फोटो देखें। वो बाहर नहीं आते हो, ये बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम होता है फेस्टिवल के लिए। फेस्टिवल हो गया होली दिवाली, नहीं ओनली डांसिंग फेस्टिवल। डांसिंग फेस्टिवल होली जो दिवाली होगा, दिवाली फेस्टिवल तो राजा का जो गोल्ड पैलेस बताया था उसके अंदर होगा। होली जो फेस्टिवल होता है जो हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि आम पब्लिक आती है उस दिन। जब राजा का दरबार लगता है राजा साहब खुद जाके होली के आगे बढ़ेंगे। राजा का नाम पदम नाथ सिंह जो 23 इयर्स के हैं, जो इंडियन पोलो टीम है उसके महाराजा कैप्टन है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है राजा साहब। मॉडलिंग भी करते हैं। बिल्कुल मॉडलिंग भी करते हैं सारे फेस्टिवल वगैरह। तो ये है जयपुर का चंद्र महल, जहाँ पे जयपुर के राजा इसी महल में रहते हैं। जो करंट राजा हैं वो जयपुर के, वो यहीं रहते हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं सबसे ऊंचाई पे राजा रहते हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ से रानियाँ इस प्रांगण को देखती थी, जो ये फेस्टिव के लिए बनाया गया है। और जो भी संगीत समारोह या कोई भी म्यूज़िक से रिलेटेड समारोह होता था वो इस प्रांगण में होता था। तो ये विशेष आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ से राजा का महल भी खूबसूरत दिखता है। तो ये है चंद्र महल। ये है मयूर गेट, और बेसिकली ये समर को इंडिकेट करने के लिए बनाया गया है। राजमाता बैठी हुई है, राजमाता का नाम है पद्मिनी देवी। इनका बेटी है दीया कुमारी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है आसाम से। ये दीया कुमारी जी के बच्चे हैं तीनों, जो आप देख रहे हैं। ये महाराजा है जो ब्लैक सूट के अंदर खड़े हुए, सवाई पद्मनाभ सिंह। इनके ब्रदर है लक्षराज सिंह, और ये सिस्टर है गोविंद। ये सिरमौर के भी है ना, छोटे वाले हैं वो सिरमौर के महाराजा हैं। क्योंकि राजमाता हिमाचल से आई हुई है, तो राजमाता के लिए भोजन वगैरह नहीं था, इनको ही हिमाचल में एडोप्ट किया गया है। तो ये जो सवाई पद्मनाभ सिंह है, इनको जयपुर में एडोप्ट किया है। क्योंकि जयपुर के 11 नंबर के राजा थे सवाई भवानी सिंह। उनके एक ही डॉटर था प्रिंसेस दिया कुमारी, कोई लड़का नहीं था उनका, तो इसलिए महाराजा ने अपने नाती को गोद लिया है। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये महाराजा का पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट है। इसलिए इसका कितना वैल्यू भी रखा हुआ है, क्योंकि जो भी पैसा आता है उससे सारा यहाँ का मेंटेनेंस वगैरह देता है। ट्रस्ट बना रखा है महाराजा ने। नेक्स्ट वन आपके सामने आ रहे हैं इंडियन माइकल जैक्सन डांस। आप देख रहे हैं, इसका नाम है राजेंद्र कोल मिस होते बड़े दरवाजा। राजेंद्र मिस राजा के आने और जाने का रास्ता है। सामने देखेंगे दो मार्बल पे एलिफेंट बने हुए, जो सिंगल मार्बल पीस पे बने हुए। 1931 में ये एलिफेंट लगाए गए थे, जब महाराजा साहब का जन्मदिन हुआ था। भवानी सिंह जी के बर्थडे पे लगाए गए, उससे पहले ये एलिफेंट नहीं लगे हुए थे। ऊपर का भी ये झरोखा जो आप देख रहे हैं, तो ताशियों के लिए होता है, फूल वगैरह बरसाने के लिए, जो राजा का वेलकम होता है। ये जो आप महल देख रहे हैं, यहाँ पे राजा रानियों के सारे कपड़े रखे हुए हैं, जो वो फेस्टिवल में यूज़ करते थे, जो नॉर्मल डे में यूज़ करते थे, नाइट वियर यूज़ करते थे, पश्मीना के कालीन यूज करते थे, वो सारे फैब्रिक, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। और बड़े अच्छे तरीके से इसको संजो के रखा गया है। दूसरा, यहाँ पे जो राजा जो थे, जो इन्होंने पोलो में वर्ल्ड कप जीता था, उसकी ट्रॉफ़ी रखी हुई है। और इवन यहाँ पे जो रानियों के लिए जो जूते, जो रानियाँ जूते पहनती थीं, वो उसकी वेट मात्र 20 ग्राम की होती थी, वो शूज भी यहाँ रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है। सामने देखिए आप, ये बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, इसका नाम है मुबारक महल। मुबारक मिस होता वेलकम। तो 9 नंबर के राजा ने ये बिल्डिंग बनाया था 1902 में। रॉयल फैमिली में जो गेस्ट आते थे उनके लिए बनाया गया। बिल्डिंग चारों साइड से एक जैसा दिखेगा आपको, जैसे आगरा का ताजमहल, उसी तरीके से इसको बनाया गया। जो आगरा के ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ है मकराना मार्बल, वो मार्बल भी यहीं से भेजा गया था, जो जयसिंह जी के द्वारा भेजा गया। तो शाहजहाँ की तलवारें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि महाराजा साहब को गिफ्ट में मिलेगी। इसका आर्किटेक्ट आप देखेंगे तो 3 आर्किटेक्ट यूज में लिया गया है। जो आप नीचे का जो डिज़ाइन देखते हैं वो तो पूरा राजपूत शैली में बना हुआ है, क्योंकि गेट के ऊपर आप देखिए टेम्पल का डिज़ाइन दिया है। लेकिन सेकंड मंजिल को आप देखते हैं तो पूरा मुगल आर्ट के अंदर तैयार किया हुआ है, मस्जिद की तरह झरोके देखने को मिलता है। लेकिन पेरिस के ऊपर आप देखेंगे तो वो यूरोपियन शैली को दर्शाता है, जिसको हम क्रिश्चियन शैली भी बोलते हैं। ऐसा महाराजा ने इसलिए बनाया क्योंकि ओल्ड टाइम में जो गेस्ट आते थे राजा के, वो हर तरीके के आते थे, किसी को नाराज़ नहीं करना था। इसमें महारानी विक्टोरिया भी स्टे कर चुकी है, यहाँ पे रुक चुकी है। अंदर आप चलेंगे तो 17वीं सेंचुरी के बाद में जितने भी राजा हैं उनके आर्टिकल्स हम देखेंगे। इसमें आपको जयपुर का वर्ल्ड फेमस आर्टिकल देखने को मिलेगा, 100 ग्राम का रिजल्ट जो एकदम लाइट वेट होगा। उसके अंदर पश्मीना उलन डाला जाता है जो 12 महीने यूज में आता है सर। एक इसमें आपको देखने को मिलेगा रानी का 15 ग्राम का सोल, इसको पश्मीना सोल बोला जाता है, वो भी -डिग्री पे गर्म करता है। और एक आपको बनारसी सिल्क का साड़ी देखने को मिलेगा, जो जयपुर के अंदर महारानी साड़ी के नाम से काफ़ी सेल होता है, जो 40 ग्राम का आता है, जो स्मॉल सा एक रिंग पहनते हैं उसमें से वो साड़ी निकल जाता है। इसी के अंदर आपको एक महाराजा का वर्ल्ड कप का ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगा, जो जयपुर के 10वें नंबर के राजा थे सवाई मान सिंह, तो वो वर्ल्ड चैम्पियन थे। तो राजा ने इंडिया के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था 1957 में, तो उसका ट्रॉफी रखा हुआ है महाराजा का, रियलिस्टिक रखा हुआ है और रियल ड्रेसेस रखा हुआ है। तो ड्रेस का भी आप कलर कोड जो देखेंगे तो महाराजा का जो फ्लैग लगा हुआ है उसी को इंडिकेट करके ड्रेस कोड मिला। तो अंदर चलेंगे तो अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं रहेगा, इसका भारत अभी हम जा रहे हैं वेपन्स गैलरी देखने, और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, हालांकि फिर भी मैक्सिमम देखते हैं क्या कवर कर सकते हैं। ये मिनीचर पेंटिंग्स लगा हुआ है जिसके लिए जयपुर फेमस है। इसमें महाभारत को लिखते हुए दिखाया गया है, जो वेद व्यास जी और गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखा जा रहा है। पेंटिंग का जो आप दूर से देखेंगे तो ट्री वगैरह नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा पास से देखेंगे तो ट्री पे बर्ड्स, पीकॉक, मंकी इस तरीके से बैठे हुए हैं, उनका आइस तक बना हुआ है। स्कूलर के बाल से ये पेंटिंग किया गया है, गैलरी के बाल से। और ये महाभारत का जो फाइट हुआ था जिसमें चक्री और मकरी बनाए गए थे, वो एक आर्टिस्ट ने अपना संदेश दिया इस पेंटिंग के लिए। ये वाला जो देख रहे हैं ये चक्रियो है और ये मकड़ियों है, इसको तोड़ने के लिए मकड़ियों बनाया गया था, जो पांडवों के द्वारा बनाया गया। कोरों की संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने चक्रियों बनाया। अभी अंदर हम वेपन्स देखेंगे, जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं रहेगा, इसलिए कहा है। खड़े हैं सभा निवास के पास, और ये सभा निवास जहाँ राजा जो होते हैं वो अपनी सभाएं करते थे, आम लोगों से मिलते थे और सभाएं करते हैं। हालांकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो राजा का पूरा सेटअप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सभा निवास में मोस्टली राजा अपने प्रजा या मंत्रियों से या अपने गेस्ट से मिलते थे, और काफ़ी शान शौकत से यहाँ पे दिखाया गया है, काफ़ी लग्जरी फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे जब आएंगे। तो ये है सभा निवास, और सभा निवास के जस्ट गेट के सामने 2 ओरिजिनल तोप रखा गया है। तो नेक्स्ट सुन आपके सामने आ रहे चंपा लाल सपेरा स्नेक चार्म। क्या नाम है भैया आपका? विशाल। विशाल। और आप? और आप? संजय। ये संजय जी कलाकारी कर रहे थे पीछे, बहुत बढ़िया। ये जयपुर का पपेट शो है और यहाँ आए तो ज़रूर एंजॉय करें, मज़ा आ गया। थैंक यू भैया। तो सिटी पैलेस के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है और काफ़ी लग्जरी वाला है। तो जब भी आप आए यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये नाइट के लिए है और बेसिकली रेस्टोरेंट अंदर की तरफ है, तो आप अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा एरिया है, सामने आपको महल दिख रहा है राजा का। और आज के ब्लॉग में हमने आपको सिटी पैलेस पूरा ही दिखाया, पूरा एक्सप्लोर करके दिखाया और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।